जय हिंद दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का सामान्य ज्ञान का यह पार्ट नंबर 7वां है। ऑलरेडी इस पर हम 6 वीडियो बना दिए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी का सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला प्रश्न दिया है 22 दिसंबर को किसके रूप में मनाया जाता है, यानी 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय गणित दिवस, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय तकनीक दिवस और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। एक पॉइंट आपको यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। जब भी दिवस के रूप में पेपर में देता है, जब भी दिवस है पेपर में प्रश्न पूछता है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मान लीजिए जो दिवस पूछा है उसका आपका आंसर नहीं पता है, उसका आंसर आपको नहीं पता है, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, आप ऑप्शन पढ़िएगा। कहीं ऐसा जरूर होगा कि एक दो ऑप्शन जरूर मिल जाएगा जिसका आपको दिवस पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन पर, देखिए प्रश्न दिया है 22 दिसंबर को किसके रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। ऐसे ऑप्शन छाट सकते हैं, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। अब राष्ट्रीय तकनीकी दिवस आपको पता है कि कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। ऐसे में देखिए ऑप्शन आप छाट लिए, बचा क्या ऑप्शन, तो बी ऑप्शन, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 22 दिसंबर को किसके रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे आप करेंगे तो बिल्कुल आपको पेपर में आसानी होगी। क्या होता है कि बहुत से बच्चे ये होते हैं कि जो ऑप्शन दिया है, मान लीजिए यहाँ दिया है 22 दिसंबर को किसके रूप में मनाया जाता है, उनको आंसर नहीं पता, तो क्या करते हैं, वो प्रश्न को छोड़ देते हैं, यानी प्रश्न को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं देखते कि हाँ एक दो ऑप्शन जरूर होगा कि उसको हम छाँट सकते हैं। तो आप ऑप्शन भी छाँटना सीखिए। बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था, यानी जो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। ए ऑप्शन है दिसंबर 1930, बी ऑप्शन है दिसंबर 1929, सी ऑप्शन है दिसंबर 1931, डी ऑप्शन है दिसंबर 1932। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो गोल में सम्मेलन हुआ था वो कितना गोल में सम्मेलन हुआ था, तीन गोल में सम्मेलन हुआ था, तीन गोल में सम्मेलन हुआ था। हम यहाँ पर आपको तीनों के बारे में बताएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था, तो दिसंबर 1931। पहला गोल में सम्मेलन कब हुआ था, यानी पहला गोल में सम्मेलन कब हुआ था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए जो पहला गोल में सम्मेलन हुआ था वह नवंबर 1930 से 1930 से जनवरी 1931 तक, जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था, तो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था सितंबर 1931 से, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, दिसंबर 1931 तक। अगला जो हुआ था, तीसरा गोल में सम्मेलन हुआ था, वह हुआ था नवंबर 1932 से, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक, दिसंबर 1932 तक। यह हुआ था तीनों गोल में सम्मेलन। तो आप प्रश्न लिख सकते हैं कि गोल में सम्मेलन हुआ था कब कब हुआ था। इसमें सबसे पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट यह होता है कि प्रश्न पूछता है कि किस गोल में सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो तृतीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यहाँ ध्यान दीजिए, जो पहला गोल में सम्मेलन हुआ था यह भी असफल रहा, जो दूसरा हुआ यह भी असफल रहा। अच्छा, यह लिख लीजिए जो गोल में सम्मेलन हुआ था यह कहाँ पर हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गोल में सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था। बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन है, यानी जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन सा देश है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है तुर्की, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है ब्राज़ील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन है, यह प्रथम स्थान पर है। भारत की बात करें कि चाय का उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा
कि भारत जो है वह किसका अधिक उत्पादन करता है, तो अभ्रक का ज़्यादा उत्पादन करता है, यह प्रश्न पूछा गया है। इसी को माइका बोला जाता है, इसी को माइका बोला जाता है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है। ब्राज़ील किसका उत्पादक है, तो सबसे ज़्यादा किसका करता है, कॉफ़ी का करता है, किसका करता है, कॉफ़ी का करता है। अब यहाँ पर देखिए जो तुर्की है इसको क्या बोला जाता है, जो तुर्की है इसको क्या बोला जाता है, तो तुर्की को बोला जाता है यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज। प्रश्न पूछता है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की को। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 से संबंधित है, यानी जो अनुच्छेद 21 ए है वह किससे संबंधित है, यही प्रश्न पूछा है। आइए ध्यान दीजिए, प्रश्नों को समझिएगा। जो अनुच्छेद 21 है वह किससे संबंधित है, ए ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार से, बी ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से, सी ऑप्शन है संवैधानिक उपचार से, और डी ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। यह जो प्रश्न है यह फेमस प्रश्न है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से। देखिए जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं इनको निशुल्क जो शिक्षा होती है वो मिलनी चाहिए। कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 21 ए कहता है, अनुच्छेद 21 ए कहता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।